सेंटर के स्मॉल तीन बिल्डिंग्स और उसके बाद दो चार कुछ और बिल्डिंग्स है। तो फाइनली जो म्यूजियम है ना, इसकी 100 रुपीज़ टिकट और आए तो है। मैंने कहा अंदर से भी देखी जगह दिखती है, कराची में भी दिखती है, शायद दो दो होंगे इसलिए वहाँ भी है यहाँ भी है। इस कौम के लिए जितना इलामा इकबाल ने सोचा है ना, शायद ही किसी ने सोचा हो। अमी शायर अभी भी हमारे लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। हाय 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 हाय, मजेदार चीज से होना ही है ना। शाह साहब कहाँ बैठे हो? अच्छा जी, डायना वैली में पहुंच गए और डायना वैली की टिकट थी यहाँ से 200 रुपये, ऊपर 800 रुपये, और यहाँ पे हमारी ट्रेन रेडी हो गई है, स्टार्ट हो गई है, और अभी हम ट्रेन पे बैठ के ऊपर जाएंगे डायना वैली पे। Assalamualaikum guys, this is your boy Rahat Ali Aray. Hope guys are doing well. Welcome to another vlog. So, पिछले vlog में हम देखा, आपने देखा कि हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए थे। आज हम explore करेंगे बाबू इस्लामाबाद। सारा दिन उन्होंने इस्लामाबाद घूमा लेकिन थक गए थे, दोपहर का टाइम था। खैर आए हैं, vlog स्टार्ट करते हैं सीधा के होटल। थोड़ा सा मतलब खाना खाने के बाद फिर से सोच किया और बस हम निकल गए, और अभी जा रहे हैं घूमने, घूम के आगे वापसी। अच्छा जी, तो सब बहुत थके हुए थे। जैसे जब खाना वगैरह खा के हम बस में बैठा ना, हम सब लोग फ्रेश फील करने लगे, क्योंकि अब हम फ्रेश हो चुके थे, फेस वॉश किया, और थोड़ा सा ट्रैवल आज हमने किया था कुछ 4-5 घंटे, फिर हम जाके इस्लामाबाद पहुंचे थे। और आज रात हमने यहीं स्टे करना था, तो हम पहले विजिटिंग पॉइंट के लिए निकल गए जिसका नाम था शक्करबड़िया। और पहाड़ों के ऊपर सेम वैसी फीलिंग आ रही थी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा थोड़े करीब फॉरेस्ट थे, जंगलात वगैरह, और इस्लामाबाद की एक वाइब अलग थी। लेकिन यहाँ पे गर्मी थी, अब ठंडे एरिया से हम गर्मी में आए थे तो थोड़ा सा अलग। फाइनली हमारा फर्स्ट विजिटिंग पॉइंट आ गया है शक्करबड़िया। यहाँ पे परेड वगैरह होती है ना 14 अगस्त की, और इधर उधर, तो यहाँ पे फर्स्ट विजिटिंग पॉइंट है, इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। 3 विजिटिंग पॉइंट है आज हमारे यहाँ पे। अच्छा, तो ये मैंने काफ़ी सारी पिक्स वगैरह में ये देखा हुआ था, मुझे नहीं पता था ये शक्करबड़िया। फाइनली आज देख लिया शक्करबड़िया, शक्करबड़िया हो गया डन। ठीक है, सही सही है। कोई खास लोग यहाँ पे विजिटिंग मतलब वॉक वगैरह करने आए और हम लोग यहाँ पे घूमने आए। अब सेकंड पॉइंट की तरफ निकलते हैं, डायना वैली। सेकंड पॉइंट क्या है अपना? डायना वैली। अब डायना वैली जाते हैं, वहाँ चलते हैं। यहाँ तो बस देख, इसमें भी देखा होता है ऐसे ही था और अभी भी ऐसा ही है। नाइट स्टे किया था हमने सिरीपाई में, और इसलिए बहुत ज़्यादा हम थके हुए हैं, लंबा ट्रैवल करके आए, तो शॉर्ट टाइम हमें बचा था। कल हमारी फ्लाइट है इस्लामाबाद टू कराची, तो हमने कहा कि तो थोड़ा टाइम बचा है ना, इसको हम कहीं जगह लगाएं, अच्छी जगह तो कुछ एक्सप्लोर कर लें। शक्करबड़िया में वहाँ से शावर शुरू होता है, वहाँ से आता है, इस पर आता है, इस पर, इस पर, इस पर यहाँ तक आता है, और सामने वो जो है वो पाकिस्तान माउंटेन म्यूज़ियम है। और ये मैंने काफ़ी सारे पिक्स वगैरह में देखा था, वैसे आज यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो क्लिक्स वगैरह हो गए। यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है यार, हम लोग वहाँ से ठंडे एरिया से आए ना, उधर मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतने ठंड में से आगे इतनी गर्मी में, फीलिंग समझ सकते हो आप लोग। तो यहाँ का तो सीन हो गया, अब मैं यहीं पर अपने मोबाइल की मेमोरी फुल ना करूँ, इसलिए थोड़ी और भी जगह एक्सप्लोर करनी है ना। वैसे ये सीन है, शाम को मैंने दिया था मोबाइल, मैंने कहा इंस्टा के लिए 2-4 तस्वीरें बनाएं, लेकिन उसको लेने नहीं आ रही थी, सारी तस्वीरें कर दी भाई हमारी ख़राब। माशाल्लाह यार, ये काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह, मतलब देखें काम देखें, इसमें कायदे आज़म और फातिमा जीना दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ मेंशन है। और यहाँ पे 100 के नोट पे होती है ना मस्जिदें, क्या होता है 500 के नोट पे, ये सारी वो जो वहाँ बनी हुई फैसल मस्जिद बनी हुई है, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और ऊपर शीशे का काम हुआ हुआ है, और ये आई थिंक वो होगा फाउंटेन होगा, लेकिन ख़राब हुआ हुआ है, फवारा जो होता है, तो यहाँ क्या पता रात को चले यहाँ, तो ये भी ख़राब होगा। पीछे चलते हैं अब उसके। अच्छा जी, ये इसका बैक साइड है, बैक साइड से बिल्कुल सेम वैसे ही कर्व हुआ है ऊपर की तरफ ऐसे, और पीछे कोई खास नहीं है, बस पीछे छोटा सा एक व्यू है, और सामने सेंटेरियस मॉल नज़र आ रहा है, उसके पीछे वो जो बड़े बड़े पहाड़ जो के मतलब लंबा 3-4-5 दिन उन्हीं को देखते हुए आए हैं, वो यहाँ पे आगे पहुँच गए हैं। ये यहाँ सेंटेरियस मॉल की 3 बिल्डिंग्स, और उसके बाद 2-4 कुछ और बिल्डिंग्स है, और पीछे कोई खास व्यू नहीं है, बस ये खड़े होने की जगह है, और इधर एक फॉरेस्ट टाइप है जिसमें चल रही है हमारे ग्रुप मेंबर्स, मतलब के फुल फोटोशूट चल रहा है। और पीछे तो कुछ इतना खास नहीं, मतलब जितना आगे से फ्रंट से अच्छा लगता है ना, तो पीछे से बिल्कुल सिंपल है। अच्छा जी, यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें और दिखी है, मतलब ये थोड़ा माउंटेन हिल्स वाला एरिया है ना, तो यहाँ से सब चीज़ें वाजे नज़र आती हैं, यहाँ से थोड़ी थोड़ी दिख रही है ठीक ठाक, बाकी की जो बिल्डिंग सेंटेरियस मॉल और फैसल मस्जिद एरिया है। व्यू जो है ना यहाँ पे एंड किस्म का आ रहा है, और क्या शक्करबड़िया इसका नाम था, और मतलब सारी जो विजिटिंग प्लेस है इस्लामाबाद की यहाँ से वाजे नज़र आती हैं। सो फाइनली जो म्यूजियम है ना, इसकी 100 रुपीज़ टिकट और आए तो है, मैंने कहा अंदर से भी देख के चल जाएँ क्या सीन जो है, जल्दी आ जाओ। सो ये सीन, सो गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा, देखें म्यूजियम में आ गए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। ये कायदे आज़म की गाड़ी है, ये हर जगह दिखती है, कराची में भी दिखती है, शायद दो दो होंगे इसलिए वहाँ भी है यहाँ भी है, तो ऐसा कोई सीन होगा। अब आगे चलते हैं, और ऊपर से यहाँ पे शीशे शीशे लगे हुए, यहाँ तो इन्होंने वेंटिलेशन सिस्टम रखा है ऊपर से, यहाँ तो ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है। सो ये एक पोर्शन बना हुआ है, यहाँ पे कोई पुराना स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और दफातर मतलब दफ्तर यहाँ पे ऑफिस कोई ऐसा सीन है। अच्छा जी, सेकंड वाले कॉलम में आ गया है, ये मुगल पीरियड के बारे में बताया गया है, जो मुगल लोग थे वहाँ ये सीन होता था, मतलब बादशाह दरबार और यूँ बैठते थे, और बीच में जो मतलब यहाँ कुछ खास नहीं है, वही पुराने स्ट्रक्चर और पुराने वो जो मतलब के होते थे। ये इलामा इकबाल का स्टैचू लग रहा है, हाँ इलामा इकबाल। सो ये
पे। इस कौम के लिए जितना इलामा इकबाल ने सोचा है ना, शायद ही किसी ने सोचा हो। मम्मी शायर अभी भी हमारे लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। हाय 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 हाय, मजा की चीज़ तो होना ही है ना। शाह साहब कहाँ बैठे हो? सिनेमा में बैठे। सिनेमा में अच्छा जी, इस शक्कर बढ़िया के म्यूजियम में ज़्यादातर जो भी थी वो सेम जैसे कि म्यूजियम में जो तारीख को हाईलाइट किया जाता है, लेकिन हर जगह का एक अलग म्यूजियम होता है। तो यहाँ के म्यूजियम में ये था कि कुछ कल्चर्स को हाईलाइट किया हुआ था, और कायदे आज़म के स्टैचूज़ थे और इलामा इकबाल के स्टैचूज़ थे, और उसके बाद जो मीटिंग्स हुई थी जिसमें करारदाद की और ये सब जो थी ना, जो इनके हल्के से स्टैचूज़ बना के मतलब एक तरह कॉर्नर में, और उनको पूरा मतलब सेट किया हुआ था, और उनकी वहाँ पे थोड़ी बहुत हिस्ट्री लिखी थी, और उसके अलावा कायदे आज़म के जो गाड़ियाँ थी वो थी, और उनकी यूज़ करदा चीज़ें तो यहाँ पर नहीं दिखी। और बाकी बस ये जो यहाँ पे क्योंकि ये कैपिटल है इस्लामाबाद पाकिस्तान, और फाइनली मेरे पीछे बैठे हुए हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन फातिमा जिन्ना। कैपिटल सिटी है तो यहाँ पे ऑफिस वर्क के मुतालिक जैसे कि ये सब था, तो ये सब वहाँ पे हाईलाइट किया गया था। पीछे से कॉल आ गई, जल्दी आ जाओ। ठीक है, सब लोग बैठे हुए गाड़ी में। ये है बग्गी, इसको कहते हैं दो घोड़े, और बाकी सब बैंड या गार्ड है, और बीच में बैठे हुए फातिमा जिन्ना और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। सामने खड़ी हुई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। भाई फाइनली ऊपर आ गए। ऊपर जो अट्रैक्शन वाली चीज़ थी ना, ये दो पुरानी चमचमाती हुई गाड़ियाँ, पता नहीं इनमें इंजन है या नहीं, मतलब फुल चमक रही हैं, लेकिन ये बाउंड्री लाइन है, इससे आगे हम जा नहीं सकते, तो यहीं से ही आपको थोड़ी सी दिखा दी। अब आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। सो फाइनली यहाँ का जो विजिट था वो पूरा हुआ। अभी हम जा रहे हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, देखते हैं वो कैसा है। यहाँ पे आप बार बार तो नहीं आओगे, अगर आप यहाँ के रहिए तो वॉक वगैरह करने आओगे, अगर आप एक दफ़ा आ चुके तो आप मुश्किल वापस आओ। मेरा रिव्यू ये था, वैसे जगह अच्छी थी, इंटरटेनमेंट के लिए भी अच्छी थी, काफ़ी व्यू पॉइंट भी दिख रहे थे और म्यूज़ियम भी था, और 10 out of 9.5। अच्छा जी, शक्कर बढ़िया घूम के हम निकल गए वहाँ से डायनो वैली के लिए। अब बहुत थके होते, कुछ लोग कहते हैं चलते हैं, कुछ लोग कह रहे थे बस चल रहे होटल चले। खैर हम डायनो वैली की तरफ चले गए। काफ़ी ऊपर चढ़ाई थी, कोई आधा घंटा 45 मिनट चढ़ने के बाद में गोल 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 राउंड, और वहाँ पे हमें जो रेस्टोरेंट थे मोनाल, इसको क्रॉस करके आगे जाना पड़ता है, और वहाँ पे कॉफ़ी भी थी, वो जो ग्लोरिया जीन्स की जो कॉफ़ी है वो भी थी, मोनाटा रेस्टोरेंट, मतलब 3-4 रेस्टोरेंट थे यहाँ पे। और उसके बाद हम वहाँ से जैसे आगे गए, आगे मतलब कोई 15 मिनट हमने ट्रैवल किया होगा, देन डायनो वैली आ गया। और डायनो वैली के क्या सीन्स थे, क्या शशके थे, ये हमने अब एक्सप्लोर करने थे डायनो वैली में आके। मैं पहली दफ़ा गया था और सुना भी पहली दफ़ा था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई ऐसा भी सीन है डायनो वैली के नाम से। और आज फैमिली डे था, शायद ऐसा भी कोई सीन था। फिर यहाँ से जो ट्रेन खड़ी है इसके ऊपर हमें जाना था ऊपर, और फिर हम सब उतरे और इसकी तरफ बढ़े। अच्छा जी, डायनो वैली में पहुंच गए, और डायनो वैली की टिकट थी यहाँ से 200 रुपये, ऊपर 800 रुपये, और यहाँ पे हमारी ट्रेन रेडी हो गई है, स्टार्ट हो गई है, और अभी हम ट्रेन पे बैठ के ऊपर जाएंगे डायनो वैली पे। टडाड, गेट खुल गए, सो हम बैठेंगे सबसे फ्रंट पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फाइनली पंखे शंखे चल रहे हैं डायनो वैली के जाने के लिए, हमारी ट्रेन बिल्कुल रेडी है, इंजन हमारा लग चुका है, और ऊपर चल के मिलते हैं अब। हम तो आगे ट्रेन में बैठ गए और दोबारा वहाँ पे डिस्कशन हो रही है, मुझे लग रहा है कि ये प्लेन कैंसिल होने वाला है। इतनी पास आके बाहर जा रहे हैं, सही नहीं है यार। सो फाइनली सीन ये हुआ कि भैया डायनो वैली से हमने यू टर्न मारा और आ गए मोनाल। मोनाल से पहले हम गए थे साथ में, वो कौन सी कॉफ़ी वाला था ना, वहाँ पे डिसाइड नहीं हो पा रहा कि खाना कहाँ पे। अब जैसे ग्रुप मेंबर बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा ना यार। सीन में अब आपको बताऊंगी क्या हुआ। भाई वहाँ पे गए हम डायनो वैली पे, जब हम वहाँ पे ट्रेन में बैठने वाले थे तो कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं जा रहे। वो सीन हुआ था कि वो कह रहे थे यार 200 यहाँ से और 800 ऊपर की टिकट थी, लेकिन आज फैमिली डे है तो हम जाने नहीं दे सकते। फिर उन्होंने कहा चलो आप इतनी दूर से आपको जाने देते हैं, 15 मिनट आपको दे देते हैं। खैर फिर कुछ लोग कह रहे यार 15 मिनट के लिए हम 1000 भरें और ऊपर जाके फिर अलग से खाना पीना यहाँ पे खाएँ या ना खाएँ अलग बात है, फिर मोनाल पे चल के खाते हैं। तो ये सीन कश्माकश में मतलब डायनो वैली में भी रह ही गया, कोई नहीं गया। तो हमने कहा यार इतनी दूर आए हैं, इसको हाथ लगा के जा रहे हैं, खैर चलते हैं, खैर 10-15 मिनट भी घूम लेंगे वही बहुत है। तो फिर कुछ लोग गए नहीं, तो फिर ऐसा करके सबको कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद हम गए सीधा मोनाल। मोनाल पर हमने खाया नहीं, मोनाल पर गए। सीन क्या हुआ भाई, मोनाल पर गए और जो हमारे टूर ऑपरेटर कह रहे थे यहाँ भी खाना नहीं खिलाना, यहाँ पर बिल बहुत आउट हो रहा है। तो हमने कहा चलें ऐसा करें, यहाँ पे उसके साथ एक और रेस्टोरेंट था वहाँ पे ना, बुफे सिस्टम था, वहाँ पे 2100 या 2200 थे। तो हमने कहा चलें 1000 आप दे दें, बाकी हम सबको अपने दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं यार इतने उसमें भी कुछ मेंबर नहीं खा रहे थे। तो उसके बाद फिर हमें नीचे जाना पड़ा, और जहाँ पे हमारा खाना रेडी था वहाँ पे हमने आज खाया था, आई थिंक मटन था, और वहाँ पे हमने खाया खाना। खाना खाने के बाद वहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की, वहाँ पे एक पान वाला थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था, तो मैं उसके पास गया, थोड़ा सूट वूट किया, और मैंने उससे पूछा खास चीज़ क्या है। उसने कहा भाई खाओगे तभी पता चलेगा ना।
तो फिर मेरा तो अभी मूड नहीं था। उसके बाद बस होटल गए, थोड़ी देर में जाके सो गए और सामान वगैरह पैक किया। अगले दिन हमारी फ्लाइट थी और बस ये था आज का ब्लॉग। चैनल बनाए तो भाई सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे जहाज़ में।